अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का यह अवसर दिया। मेरे लिए मौके बहुत आए जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मेरे स्टेट के अंदर इस असेंबली में सबसे कम आयु का विधायक चुनकर एक जिम्मेवारी के साथ वे सदन में खड़े हो रहा हूँ, और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने तो अपने अपने क्षेत्र की बात रखी, तो एक चीज जरूर आज देखने को मिली कि सबने 12 पन्नों की बात करी, और 12 पन्नों में जो हरियाणा की सबसे बड़ी अहमियत है स्पोर्ट्स, उसके ऊपर किसी भी एक साथी ने चर्चा नहीं करी। ओलंपिक्स 2020 टोक्यो कुछ ही महीनों के अंदर हमारे बीच में, और हरियाणा वो प्रदेश है जो एक तिहाई पदकों को लाने का काम चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन गेम्स हो, उसके अंदर करता है। तो मैं तो चाहूँगा कि महामहिम ने भी इसको टच किया है, मगर इसके अंदर हमारी सरकार मिलकर ये प्रयास करे कि हमारा कोई भी खिलाड़ी जो ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, सरकार की ओर से जो कोई भी अवसर मिलेगा आने वाले भविष्य के अंदर, हमारे पास संदीप सिंह जी हैं, पूर्व ओलंपियन भी है, मेडलिस्ट भी है, चाहे हम मिलकर, चाहे हमारे युवा चिरंजीव हो गए, अमित हो गए, वरुण हो गए, ये युवा साथी मिलकर उन प्लेयर्स की किस तरीके से टेक्निकल, किस तरीके से और हेल्प हम कर पाए, इनके ऊपर इनके सुझाव भी आने जरूरी थे। और उम्मीद करते कि उन खिलाड़ियों को जो हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, हरियाणा प्रदेश की तरफ से इस देश का नेतृत्व करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग भी दे पाए कि आने वाले ओलंपिक्स के अंदर मेडल टैली में जहां भी हम एक तिहाई थे, वहां माध्यम में अपने प्रदेश का नेतृत्व पहुंचाने का काम करें। मैं जब हमारे गुप्ता जी मोबाइल लेकर खड़े हुए और अपने अभिभाषण के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो बड़े साथी सामने वाले बेंच से खड़े होकर बोले कि मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं। आपको भी इस जिम्मेवारी की बधाई देता हूँ, और डिजिटलाइजेशन का जमाना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोबाइल अलाउड नहीं। आज तो हमें शायद ये सेक्रेटरी का काम भी डिजिटल करना पड़ेगा। 5 साल के अंदर जब लोकसभा में मुझे काम करने का मौका मिला तो बहुत सी ऐसी चीज थी, प्रश्नकाल के अंदर हम प्रश्न डालते थे तो वो सब डिजिटलाइज हो, कोई भी सांसद आखिरी के साल में हाथ के पेपर पर लिखे क्वेश्चन नहीं देता था, सब ऑनलाइन डलने लगे। तो ये प्रथा, आप इस चेयर पे बैठे हैं, एक जिम्मेवारी के साथ बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सदन को डिजिटलाइजेशन की ओर लेकर जाएंगे, ना कि ये प्रथा जो हम कागज लेकर और आज चलते हैं पर्चियां लेकर, न्यूज कटिंग दिखानी है तो आज के दिन तो सबके पास टैब्स हैं, बड़े बड़े मोबाइल हैं, उसके अंदर ये चीज दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गुप्ता जी का हमें प्रेरित करना चाहिए कि इनने प्रथा शुरू करी कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने अभिभाषण को रखने का काम करें। कई साथियों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन की जो बातें हैं उसके वो इस अभिभाषण में देखने को नहीं मिला। अभी ये गठबंधन सरकार बने जुम्मा जुम्मा 8 दिन 9 दिन हुए, और इसके अंदर हमारा प्रयास रहा है कि मिलकर हर विषय पर हम बढ़े। मैं तो चाहता था कि कोई साथी खड़ा होकर धन्यवाद करता कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि एग्जामिनेशन सेंटर्स 300 किलोमीटर दूर नहीं होंगे, 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होंगे, मगर उसके प्रति ये कहते हैं कि दोनों की तरफ से क्या कदम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस सदन के अंदर भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो दोनों पार्टियों का है, प्रोफेसर साहब कादियान साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से गिनवाई कि 420 घोषणाएं, मैं आपके साथ साझा करूं कि लगभग हमारी जो घोषणाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं 72 ऐसी घोषणाएं हैं जिसके अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत बजट वेरिएशन हो सकती है, और उसके ऊपर आप विश्वास रखिएगा कि आज कमेटी भी बनाएंगे और उसके ऊपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मजबूती से आगे ले जाने का काम भी करेंगे। और एक कदम विश्वास के साथ, हमारे साथी कुलदीप वत्स जी कह रहे थे कि आप युवाओं के लिए लड़ते थे, ये मैं आपको आज इस सदन पे उप मुख्यमंत्री के तौर पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 75% हरियाणा प्रदेश के रोजगार में हिस्सेदारी हरियाणवियों की लाने का प्रयास अगले सेशन में बिल के तौर पर हमारी सरकार का है। जहां बात आती है फार्मर की, बहुत से ऐसे साथी है जो बारी बारी
जीरी की परचेज पर बात उठाते हैं। हमारा प्रयास है पहले दिन का, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी और मैंने मिलकर यह फैसला लिया था कि एक एक दाणा परचेज, अगर कोई साथी कहता है कि हमारे वहां पर आज भी परचेज में दिक्कत है तो हमें इन्फॉर्म कराइए। हम एक सेकंड में अपनी बात रख लूं, मैंने आपको नहीं टोका। जहां परचेज की बात है, हम एक एक दाणा पूरी तौर पर परचेज करने का दम भी रखते, मगर आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पिछले साल की जो परचेज थी वो 55 लाख मेट्रिक टन थी, इस साल वो 60 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा होगी। उसका एक कारण है कि दूसरे प्रदेशों का भी धान हमारे प्रदेश में आया। एक और चीज जो समझने की देखने की है वो ये है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके बड़े बड़े यूनिट्स लगे हुए, वो परचेज तो कर लेते हैं ऑन रिकॉर्ड, मगर मंडी से प्रिक्योर नहीं करते। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज सदन के बाद सरकार की ओर से हम डायरेक्शन भी जरूर देंगे कि इंस्पेक्शन करी जाए प्रत्येक उसकी, जिसके पास अगर बिल फसल का कटा हुआ है और उसके गोदाउन में वो फसल नहीं पड़ी। बहुत से आप जैसे साथी भी उसके अंदर हमारे विरुद्ध बोलेंगे कि आपने तो इसको मार दिया। मारने की बात नहीं है, जब हमारे किसान का दाणा परचेज नहीं होगा और कोई बिल कटवाकर, क्योंकि पहले प्रथा रही है, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मैंने कई बार पार्लियामेंट में बात रखी कि बिल तो कट जाते हैं मगर उन बिल के माध्यम से गोदाउनों के अंदर सामान नहीं जाता, और सामान जब एक साल बाद रिकॉर्ड दिखाना होता है तो बिहार से मध्य प्रदेश से सस्ते दाम पर लाकर लोड किया जाता है। तो मैं तो चाहूंगा विपक्ष में बैठे एक एक साथी से कि आप बताइए कि कौन सी मंडी के अंदर आज के दिन धान पड़ी है और किस गोदाम के अंदर धान नहीं पहुंचा, उसकी पूरी तौर पर हम इंक्वायरी भी कराने का काम करेंगे। यहां बात फार्मर की आई है, बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है कि 20-22 तक फार्मर की इनकम को डबल करना है, मगर सारे साथी खड़े होकर कहते कैसे करोगे। मैं तो कहता हूं आप लोग भी सुझाव दो, हमारे डी कंपोजर पर 20 रुपए की बोतल पर इतना बड़ा मुद्दा बना सकते हो तो सुझाव देने में तो कोई समय नहीं लगता। आपकी ओर से जरूर सुझाव आने चाहिए कि फार्मर को क्या चीज दी जाए। आज पाइलर्स की जरूरत है, पाइलर्स का मैंने दुष्यंत जी सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। पाइलर्स की जहां बात आती है, सरकार की ओर से पाइलर्स हर डिस्ट्रिक्ट में दिए गए। मैंने आज सुबह खुद डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान मंगाकर उसको स्टडी किया, मगर हैरानी होगी आपको कि अधिकतम डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जहां पर पाइलर्स के लिए लोगों की सब्सिडी लेने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं उपलब्ध। तो मैं तो आपको प्रेरित करता हूं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान की एक कॉपी ले पढ़े, उसमें देखे कि रोटावेटर पर कितनों का सब्सिडी है, ट्रैक्टर पर कितनों पर सब्सिडी है, उनको उठाए, उनको इंप्लीमेंट कराइए। आप भी सरकार का हिस्सा है, जब एक विधायक सारे चुनकर आते हैं, जब विपक्ष में बैठा हो सत्ता में बैठा हो, उसको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम मिलकर कैसे आगे बढ़ाएंगे। पानी की समस्या के ऊपर बहुत बड़ा विषय उठा, कहा गया कि आज पानी कहीं दाग जोन में आ रहा है। प्रयास सरकार का रहा है, मां महिम ने भी उसके अंदर आपको अपने अभिभाषण में कहा कि रेणुका डैम हो, कसाव डैम हो, लखवाड़ डैम हो, केंद्र सरकार की ओर से भी दो प्रोजेक्ट्स पर अपने अप्रूवल आ गए हैं, तीसरे के ऊपर क्योंकि वहां इन्वायरमेंट क्लियरेंस बहुत ज्यादा चाहिए तो अभी पेंडिंग पड़ा है, पर हमारा प्रयास रहेगा कि इन तीनों डैम की डेवलपमेंट का भी काम जल्द से जल्द शुरू हो जिससे पानी की समस्या को दूर किया जाए। और उसके साथ साथ चाहे सतलुज यमुना लिंक हो, हाँसी भुटाना हो, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि इन प्रोजेक्ट्स को भी जो चार चार दशकों से पेंडिंग पड़े हैं सब जूडियस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सरकार जल्द से जल्द पूरा कराने का काम करेगी। मैं जहां यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात, हमारी सरकार का प्रयास है कि जहां 75% रोजगार के अंदर हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की हम देने का काम करेंगे, वहीं मैं चाहूंगा कि जो जो जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बेरी का गर्ल्स कॉलेज पेंडिंग है, मुझे लगता है सर तीन टर्म तो आपकी आज विधायक हो, दो बार हुड्डा साहब के टेंडोर में थी और एक बार मनोहर लाल जी के टेंडोर में थी और चौथी टर्म है जब यह घोषणा पूरी नहीं हो रही, और मेरे को लगता है उससे पुरानी मांग है। आपने उस टाइम भी रनिंग कमेंट्री करी थी सीटिंग के भी बेरी में, उस टाइम क्या हुआ जब उनका साथ थे। उस टाइम ऑनरेबल स्पीकर सर ये सर्वे हुआ था और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी आई,
फाइनेंशियल अप्रूवल भी आई। मेरे कम से कम भी 22 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फाइनेंशियल अप्रूवल थी, जिनका कॉन्ट्रैक्टर भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था और पिछले 5 साल में वो शुरू भी नहीं हुए। तो बेरी का कॉलेज भी जो है वो पाइपलाइन में था हमारे में, हमारे टाइम पे ही अप्रूव हुआ था, उसी टाइम की बात कर रहा था। कम से कम हमारे जो प्रोजेक्ट हमारे टाइम पर पास हुए थे वो उनको तो पूरा करे सरकार। हमारे उनके ये सब कहकर सरकार के अब इस हिस्से के अंदर आपकी भी हिस्सेदारी रहेगी। वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग प्रोजेक्ट मेरे को लगता है हम मिलकर पूरा करा पाएंगे। जहां पॉवर्टी रिडक्शन की बात सरकार ने अपना सपना आगे रख दिया कि किस तरीके से, चाहे वो गरीब को मकान दिलाने की बात हो, चाहे उसको व्यवस्था पहुंचाने की बात हो। मैं हेल्थ फैसिलिटीज की बात थी, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। मैं चाहूंगा, मेरे को मौका मिला कि गुड़गांव के सेक्टर 10 का जो सिविल हॉस्पिटल बना दिया गया उस हॉस्पिटल में विजिट करने का। मैं चाहूंगा एक बार आप पंचकूला का पानीपत के हॉस्पिटल देख कर आए। वहां पीपीपी मॉडल के अंदर जिस तरीके से कैथ लैब चल रही है, बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनको ये नहीं पता कि आज 18,000 रुपए के अंदर स्टंटिंग वहां उपलब्ध होती है। आयुष्मान हो, ऐसी सर कोई व्यक्ति है जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल है, उसको मुफ्त के अंदर स्टंट की सुविधा पीपीपी मॉडल के तहत सरकार पहुंचाने का काम करते। मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जगह उपलब्ध कराकर देने का काम करेंगे तो क्यों नहीं, हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि पीपीपी मॉडल के अंदर हर जगह कैथ लैब्स खुले कि लोगों को फिर ये मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटलों की तरफ जाने का काम ना करना पड़े। और अंत में मैं जरूर, कई ऐसी बातें हैं जो हमारे दोनों संगठनों की मिलकर कर्मचारियों के लिए भी है, और खास तौर पर क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर पर खड़ा हर 10वां जवान हमारे प्रदेश का है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी मिलिट्री पैरामिलिट्री में हमारे प्रदेश की है। ये विश्वास मैं उनको दिलाता हूं कि हम मिलकर काम करेंगे। जो मिलिट्री के साथियों को सुविधाएं मिलती है, आज पैरामिलिट्री के बहुत से ऐसे साथी हैं जो उनसे वंचित रहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि 5 साल के अंदर मिलकर हम उनको भी वो सुविधाएं प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराने का काम करें। और मैं उम्मीद करूंगा अध्यक्ष महोदय कि अब 5 साल इस सदन को इसी तरीके से प्रदेश की उन्नति और प्रगति, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो 1966 से सरकारें बहुत रही, विधानसभाएं के लीडर बहुत रहे, कई शॉर्ट टर्म रहे, कई लॉन्ग टर्म रहे, स्टेबिलिटी रही, अनस्टेबिलिटी रही, मगर ये प्रयास रहा सबका कि हरियाणा आगे बढ़े। और हम इस उम्मीद के साथ आज इस गठबंधन में खड़े हैं कि हरियाणा को स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट दी जाए जिससे हरियाणा प्रदेश उन्नति और प्रगति के पथ पर चले। दोबारा आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।